नमस्कार, मैं हूं विभास यादव और आप देख रहे हैं जौनपुर कवरेज न्यूज। मछलीसर जंघई मार्ग के एनएच के निर्माण का रास्ता साफ, शासन ने 640 करोड़ की स्वीकृति की प्रदान। नितिन गडकरी के ट्वीट कर दी जानकारी, लोगों में खुशी, क्षेत्र का होगा अब विकास। मछलीसर से जंघई दुर्गागंज भदोही होते हुए वाराणसी जाने वाले रास्ते के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 640 करोड़ की स्वीकृति उनके ट्वीट पर होने पर लोगों में खुशी है। लोगों का कहना है कि मछलीसर जंघई के बीच पड़ने वाले बाजारों का भी विकास होगा। बता दें, मछलीसर जंघई मार्ग खस्ता हाल है, इसके मरम्मत की मांग अरसे से चली आ रही थी। नेशनल हाईवे के निर्माण की स्वीकृति होने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले मछलीसर में इसके शिलान्यास की घोषणा के बाद अब इस सड़क के नेशनल हाईवे में 640 करोड़ के बजट की स्वीकृति के बाद लोगों में खुशी है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को बधाई देना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि इस सड़क के निर्माण कार्य होने से मछलीसर से जंघई के बीच पड़ने वाली प्रमुख बाजार जमुहर, तिलौरा, बधवा बाजार, गोधना तथा जंघई का विकास होगा। लोगों का कहना है कि सड़क के निर्माण के कार्य होने से जंघई जैसे बड़े स्टेशन के माध्यम से रेलवे के आय में भी बढ़ोतरी होगी, वहीं लोगों का रोजगार तथा व्यापार भी बढ़ेगा। सर से जंघई सड़क जो नेशनल हाईवे में गई थी, गडकरी जी ने 640 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत का उन्होंने ट्वीट किया है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही किया है और जितने जल्दी बन जाए उतना अच्छा है। तो बहुत लोग करते हैं और करके आ जाता है, पूरा पैसा बजट खाते में आया लेकिन अभी तक बना नहीं। अगर इस बार आया है ट्वीट 640 करोड़ पॉइंट 18 है ना, ऐसा कुछ है। हाँ, हाँ, भदोही और मछली से बात इसमें आप कैसे देखते हैं इसको? हम बढ़िया देखते हैं, अगर बन जाता है तो आदमियों को आने जाने का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, दुकानदारों को अपना काम धाम अच्छा ढंग से करेंगे सब लोग। गडकरी जी को धन्यवाद देते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस सड़क पर बजट जो पास हुआ है? जो बजट पास हुआ है जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा तो सबको आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी, विकास होगा, विकास क्षेत्र का विकास होगा। जो 20-25 किलोमीटर घूम के बादशाहपुर से जाते हैं वो जंघई मार्ग से होते हुए जौनपुर जल्दी से पहुंच जाएंगे, उनका भी टाइम बनारस भी निकलने के लिए, बनारस के जाने की रूट अच्छी हो जाएगा, क्षेत्र का विकास होगा और यहाँ की जनता सुखमय होगी और गडकरी साहब को धन्यवाद बोलेगी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, कहना चाहते हैं हम गडकरी जी जो इतना बढ़िया फैसला हमारे क्षेत्र के लिए लिए हैं उनको तो तहे दिल से हम लोग पूरे क्षेत्र की जनता धन्यवाद करना चाहती है। ये जमीन पे काम दिखने लगे तो, क्योंकि अक्सर लुभावने ही काम होते हैं, बजट आता है और चला जाता है, यानी आप कहते हैं काम शुरू हो जाएगा तो बड़ी खुशी। तभी हम लोग यहाँ की जनता मानेगी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है और बजट चला गया, यानी घोषणाएं हुई है मूर्त रूप नहीं कर पाए, जमीन पे नहीं दिखा घोषणाएं।